और हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी आर्ट एंड कल्चर सीरीज, जो कि बैजू करेंट अफेयर्स के सितंबर मंथ का ये आर्ट एंड कल्चर है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है, होयसाला स्ट्रक्चर है और एक दो पॉइंट और, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है होयसाला स्ट्रक्चर, तो इसमें क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, पहले तो ये हम जान लेंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये विजिट किया है होयसाला टेम्पल हेलीपैड में, जो कि कर्नाटका में है। तो वहाँ विजिट किया, इस वजह से ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई होयसाला टेम्पल के बारे में क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी नहीं है, ये वेट कर रहा है अभी, इसको इसके लिए मतलब रिपोर्ट सबमिट होती है, करनी है कि भाई ये जो कि यूनेस्को द्वारा दी जाती है अभी, मतलब ये तो या पॉइंट थोड़ा मतलब नोटिस नोटिस करना है कि अभी ये यूनेस्को, इसको मतलब यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब टैग नहीं मिला हुआ है। तो हलेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ा ये है कि 20th सेंचुरी का है, जो लॉर्ड शिवा को मतलब डेडिकेटेड है। दूसरी बात है कि ये होयसाला एम्पायर के जो फरगो जो कैपिटल था उसमें ये बना हुआ है, ये लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ हेलीवेड है, कर्नाटका स्टेट में है ये, ठीक है। और इसको जो बना हुआ था, ये एक मैन मेड लेक, और इसको जो स्पॉन्सर किया था विष्णुवर्धन ऑफ होयसाला एम्पायर। ये स्टार्टेड हुआ था बनने में 1121 कॉमन ईरा में और कंप्लीटेड हुआ था 1160 कॉमन ईरा में। और ये टेम्पल जनरली है कि सेविजम ट्रेडिशन है, लेकिन ये और भी चीज़ें इंक्लूड करता है, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैष्णविज्म भी है और शक्तिज्म भी है, और आज वेल इमेज फ्रॉम जैनिज्म, मतलब ये तीनों चीज़, तीन चार का मतलब जो भी है ये इंक्लूड करता है, मतलब हिंदुज्म तो है ही, मतलब वैष्णविज्म, शक्तिज्म और साथ में जैनिज्म। कई बार लोग कन्फ्यूज, यूपीएससी में खास तौर से ये पूछ लेते हैं कि भाई ये उस रिलीजन से रिलेटेड है कि नहीं, तो कई बार ये एमसीक्यू में उसको कैच करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहा कि जैनिज्म की भी मतलब मूर्तियाँ मिली, मतलब वो इमेज जो है वहाँ पे। दूसरा है कि ये जो बना हुआ सोफ स्टेन से बना हुआ है। तीसरा है कि इस पर जो छोटे छोटे जो कलाकारी है, वो जो हिंदू टेक्स्ट है उनको नैरेट करते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है। और ये जो टेम्पल है स्टेलेट प्लान, मतलब ये जो है स्टार टाइप में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इस हलेश्वर टेम्पल की जो खासियत है, जो मतलब जो इसके जो प्लानिंग होती है वो स्टार शेप में होती है, मतलब जो ऐसे स्टार का आकार होता है उस मतलब उसके अनुसार प्लानिंग की जाती है। कि स्टार लाइक ग्राउंड प्लान इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ होयसाला स्ट्रक्चर, मतलब जो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण इसका जो पिक्चर है ये वाला है कि ये स्टार लाइक में प्लानिंग होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है सीतन वसाल मुरल, मुरल्स के बारे में। तो मुरल्स जो आपको पता है कि ये जो जो भी दीवारों पे चित्र बनते हैं उसको हम मुरल्स बोलते हैं, तो उसके बारे में है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चीज़ें है कि यह सीतन वसाल मुरल का जो फिगर है, ये हम एक मतलब एक दिया हुआ है, आप उसको चाहे वॉच कर सकते हैं। तो ये देखते हैं सितंबर साल मुरल क्या है, इसमें क्या रिसेंटली जो ASI ने है वहाँ विजिट, वो क्या कि सेवरल कंजर्वेशन मेजर साइट ऑफ रॉक एफ टेम्पल, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें यह है कि इन्होंने वहाँ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया ASI ने, तो इस वजह से इसके बारे में चर्चा में आया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो सितंबर साल के भाई तमिलनाडु के मतलब डिस्ट्रिक्ट में होता है, पाया जाता है। और ये जो रॉक मोनेस्ट्री टेम्पल है, ये तमिल सरमन्ना के द्वारा मतलब ये क्रिएट किया गया, बनाया गया था, क्रिएटेड भाई, जिन्हें अरिवार कोयल कोयल भी बोलते हैं। ये जनरली ये है कि ये सितर मसाल के लिस्ट वन ऑफ द अदर संपर्क मॉन्यूमेंट्स बाई ASI द्वारा ये मतलब इसको लिस्टेड किया गया है, आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट्स भी इसको लिस्टेड किया गया है। जनरली जो जैन टेम्पल है इसमें सितन वसाल हैव स्कल्पचर्स आर मेंशन इन ब्राह्मी एंड वट्टे जुथू प्राइमरी 3rd सेंचुरी AD। अब मुराल सब सितन वसाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जनरली क्या है कि फ्रेस्को जो भी है फ्रेस्को उसमें बना हुआ है प्राइमरी 3rd 7th सेंचुरी से। फ्रेस्को टेक्निक क्या होते हैं कि फ्रेस्को टेक्निक मतलब ये होती है कि
अपने अजंता में थोड़ा देखा होगा, लेकिन वो थोड़ा उससे अलग है। फ्रेस्को टेक्निक में गीले प्लास्टर पे इसको मतलब बनाया जाता है। जो इसमें सेलिंग पेंटिंग है उसमें काफी मतलब अच्छे से इसमें दिखाया गया है मोक्ष ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन एंजॉयिंग थेम सेल्फ इन ए पूल फुल ऑफ ब्लूमिंग लोटस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये है संभवा शरण ए लोटस टैंक विद डिसिपल कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड एनिमल्स एंड फिश प्रोलिकिंग। ठीक है, तो इसमें इसके आप इमेज जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें आप अजंता मुरस और सीतन वसाल मुरस में अंतर क्या है? सीतन वसाल में जनरली क्या कि जो अजंता मुरस बना है ये उसमें क्या है कि जो है कि मतलब ड्राई उसमें प्लास्टर पे बना हुआ है, मतलब उसमें दूसरा ड्राई पहले प्लास्टर को ड्राई किया गया उस पर फिर बनाया गया। लेकिन जो सीतान सर उसमें है इसमें क्या है कि फ्रेस्को टेक्निक यूज की गई है। इसमें दूसरा है कि जो सीतान उसमें है कि जो सीतान मसास मुरस में इसमें वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स आर यूज किए गए हैं। ठीक है, जबकि इसमें है कि इसमें जो जनरली पेंट मतलब ड्राई मतलब इस पर यूज किया गया है। दूसरा है कि जो पेंटिंग है बुद्धिस्ट थीम है इसमें, जो सीतन वसाल में है जो जैन थीम से है, मतलब जो बुद्धिस्ट केव है वहाँ पे जो अजंता केव से वो जनरली मतलब बुद्धिस्ट को मतलब एड्रेस करती है, जबकि जो सीतन वसाल डिपिक्ट करता है जैन मतलब जैनिज्म को। लाइक अजंता देयर मुरल्स ऑफ पोटिस्क आल्सो, यहाँ भी मतलब दरबारियों का मतलब यहाँ भी काफी मतलब भित्ति चित्र है। रिसेंटली तीसरा पॉइंट है बुद्धिस्ट केव इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हमें पता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। तो रिसेंटली एएसआई ने वहाँ डिस्कवर्ड किया बुद्धिस्ट केव स्तूपा और हिंदू टेम्पल्स वहाँ पे बांधवगढ़ में डिस्कवर किया है। तो जो उनके टाइमिंग है उनका टाइमिंग है बुद्धिस्ट केव और स्तूपा का ब्राह्मीण कृष्ण कम का टाइमिंग है बैक टू सेकेंड सेंचुरी, हिंदू टेम्पल्स का जो टाइमिंग है 9th to 11th century, पॉसिबली वर्ल्ड लार्जेस्ट वाराह स्कल्पचर्स आल्सो डेटिंग द सेम पीरियड। जो वाराह स्कल्पचर्स बना वो भी सेम पीरियड का ही है। जो वाराह स्कल्पचर्स होता है वो मोनोलिथिक स्कल्पचर है ऑफ द 10 incarnation ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु के जो 10वें अवतार का मतलब जो स्कल्पचर्स बना हुआ है उससे संबंधित है जो वाराह स्कल्पचर। तो आइए इसमें थोड़ा जानते हैं कि इमेज भी दिया हुआ, इमेज सोर्स इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है। दूसरा है कि इसमें जो एक्सपोजन टू प्लेस 84 years आफ्टर द लास्ट सर्च एफर्ट 1938 से, मतलब ये काफी पुराने प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये है कि जो कल्चुरी डायनेस्टी है वो भी उसके उससे भी मतलब संबंधित है। स्प्रेड ओवर जो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ये डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो इसमें बस ये जान लें कि भाई बांधवगढ़ में दो तीन चीजें मिली हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कई बार ये ऐसे नॉर्मली पूछ लेते हैं यूपीएससी में कि भाई जो बराह स्कल्पचर्स है वो या जो बराह अवतार है लॉर्ड विष्णु का ये कौन सा मतलब कौन सा अवतार माना जाता है? तो ये 10वां अवतार माना जाता है। चौथा है यूनेस्को लिस्ट 5 iconic इंडियन टेक्सटाइल्स। यूनेस्को ने 50 इंडियन का आइकोनिक जो इंडियन टेक्सटाइल्स जो मतलब टेक्सटाइल्स उनको मतलब लिस्ट किया है। तो किस एरिया में पाए जाते हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ के नाम दिए गए, सबके नाम तो नहीं दिए हुए हैं, पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगाड़ी ऑफ तमिलनाडु, हिमोरो वीव्स ऑफ हैदराबाद इन तेलंगाना, बंदा टाई एंड डाई वेविंग ऑफ संबलपुर इन उड़ीसा, खेस इन पानीपत इन हरियाणा, चंबा रुमाल ये हिमाचल प्रदेश का मतलब काफी इम्पोर्टेंट है ये है, थिंगमा या उल टाई एंड डाई ऑफ लद्दाख, अवध जमदानी फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलिकल एंड लंबाडी ऑफ बंजारा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटका, सिकलाइन पेट एंड कलमकारी फ्रॉम तंजावुर इन तमिलनाडु, कुनबी वेव्स फ्रॉम गोवा, मसरूरी वेव्स एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरू फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गरड कोईरायल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, पर काफी जो चीजें हैं एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जनरली जो कार्ट एंड कल्चर है जनरली मतलब कहाँ से पूछ थोड़ा सा वो पूछते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए थोड़ा सा हमें मतलब लगभग 1 साल के हम जो भी है उसको कवर हम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बस ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।